नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। बिहार में लव जिहाद का ऐसा काला सच सामने आया जो तनिष्क की सेकुलर एड पर करारा तमाचा चढ़ रहा है। इस घटना ने तनिष्क वालों को एक आइडिया भी दे दिया कि आप इस तरह का विज्ञापन बना सकते हैं जो लव जिहाद का असल सच है। ये घटना उन लिब्रांडुओं और कथित सेकुलरों के लिए भी आईना हो सकती है जो तनिष्क के विज्ञापन का विरोध करने वालों को कोस रहे थे और हिंदुओं को कट्टरपंथी बता रहे थे। तनिष्क के विवादित विज्ञापन के बचाव में कैसे कैसे लोग उतर आए हैं, उन्होंने अपने एल्बम से पुरानी तस्वीरें निकाल ली और अपने सोशल वॉल पर चस्पा कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम घरों में हिंदू लड़कियां बहुत खुश हैं। उन लोगों के लिए बिहार का ये पढ़ा लिखा जिहादी क्या है? शायद ये घटना देखने के बाद वो अपनी वॉल पर लगी उस तस्वीर पर कालिख पोत दे या उसे हटा दे। हम ये नहीं कह रहे कि मुस्लिम घरों में हिंदू लड़कियां महफूज नहीं हैं, लेकिन उनकी तादाद कितनी है, सवाल आपसे है। 1% या 2%? क्योंकि प्रताड़ना की घटनाओं की फहरिस्त लंबी है और इसी तरह की तस्वीरें बहुत कम। दरअसल जिहाद का काला चश्मा पहने एक पढ़े लिखे मुस्लिम ने वो काम किया जो एक अनपढ़ भी नहीं कर सकता, लेकिन जिसे शिक्षा ही यह मिली हो कि अल्लाह के सिवा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, वो अपने संगनी के दूसरे धर्म को कैसे स्वीकार कर सकता था? तो क्या ये प्यार सिर्फ ढकोसला था? मोहब्बत का वादा करने वाले इस युवक को 4 साल बाद धर्म कैसे याद आ जाता है? हिंदू लड़की के जिस्म से खेलने वाले इस युवक को अचानक अल्लाह कैसे याद आ गए? इस जिहादी मानसिकता के युवक ने पहले तो हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, लड़की से 4 साल पहले शादी भी कर ली और अब ये जिहादी लड़की तो छोड़िए, उसकी माँ पर भी धर्म परिवर्तन करने को लेकर दबाव बना रहा है, उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, कह रहा है कि धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो साथ नहीं रखूँगा। ये घटना है बिहार के मुंगेर जिले की, जहाँ फिर प्यार की आड़ में जिहाद का खुलासा हुआ। 4 साल तक लड़की की असमत से खेलने के बाद अब युवक को 3 धर्म याद आ गया है। लव जिहाद की शिकार युवती पटना सिटी की रहने वाली है। लड़की ने महिला आयोग को इसकी शिकायत की है और बताया है कि कैसे ये लड़का उस पर और उसका और उसकी माँ का धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बना रहा है और बात ना मानने पर साथ ना रखने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने महिला आयोग को जो आवेदन दिया है उसमें लिखा है, मैंने 4 साल पहले युवक से कोर्ट मैरिज की थी। पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हम दोनों के बीच प्यार हुआ, तब घर समाज के विरोध के बावजूद हम दोनों ने शादी कर ली थी। शादी के 4 साल गुजरने के बाद अब प्यार का नाटक करने वाला ये लड़का अपना असली रंग दिखा रहा है और मेरे साथ ही मेरी माँ पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है, ऐसा नहीं करने पर साथ नहीं रखने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने आगे कहा कि शुरुआती दिनों में कोई दिक्कत नहीं थी, हम दोनों राजी खुशी जीवन जी रहे थे, लेकिन समय गुजरने के साथ ही वो उस पर इस्लाम कबूलने का दबाव बनाने लगा, जिसका विरोध करने पर मुस्लिम युवक ने उसको अपने साथ रखने से भी मना कर दिया। दोनों अभी भी पटना विश्वविद्यालय में बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं। लड़की की मांग है कि पति उसे बिना धर्म परिवर्तित किए ही स्वीकार करे। पीड़िता की शिकायत को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा ने संज्ञान में लिया। उन्होंने कहा कि पीड़िता की शिकायत मिली है, दोनों ने कोर्ट से शादी की है, इसलिए उन्हें सोचने का वक्त दिया जाना चाहिए। आयोग ने मामले की अगली सुनवाई के लिए फरवरी महीने की तारीख तय की है। बता दें कि लव जिहाद का ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया जब तनिष्क के एक विज्ञापन का जमकर विरोध हो रहा है और इस विज्ञापन में दिखाया गया है कि कैसे एक हिंदू लड़की मुस्लिम परिवार में खुश है और उसकी खुशी के लिए हिंदू धर्म के रिवाजों को भी ये परिवार धर्म से परे जाकर पूरा कर रहा है, जिसका काफ़ी विरोध हुआ और इसे लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला विज्ञापन करार देते हुए इसके बॉयकॉट की मांग हुई, जिसके बाद तनिष्क ने इसे वापस ले लिया। लेकिन उसके बाद ही ये घटना सामने आई है जिसने तनिष्क के प्रोपेगेंडा की पोल खोल कर रख दी और मुस्लिम परिवार में हिंदू बेटी के साथ क्या होता है ये बता दिया। अब शायद इस विज्ञापन का समर्थन करने वाले लोग इसके विरोध की वजह को समझ गए होंगे। ये कोई अकेली घटना नहीं है, ऐसी घटनाओं की फहरिस्त लंबी है। लव जिहाद की ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो आपका कलेजा चीर कर चली जाए। किसी का रेप करवाया जाता है तो कोई हिंदू लड़की को बक्से में बंद कर किसी नाले के किनारे फेंक देता है। ये उन लड़कियों के लिए भी सबक है जो झूठे प्यार के चक्कर में धर्म तक बदलने को तैयार हो जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेकुलर गैंग अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठा है और उसे सिर्फ वही दिखता है जो वो देखना चाहते हैं। तनिष्क के ऐड पर कई बॉलीवुड हस्तियों ने अपनी सहमति जताई। अब बॉलीवुड के मशहूर एक्टर जिशान अयूब की पत्नी और डायरेक्टर रसिका अगाशे भी इस मामले में कूद पड़ी। रसिका यूपी के इलाहाबाद में हुई घटना को भूल जाती हैं, जहां हिना के पति अदनान खान ने अपने दोस्तों से अपनी पत्नी का रेप करवाया और फिर उसे गोली मार दी। रसिका जी मेरठ की घटना भूल जाती हैं,
रसिका जी को अंजलि याद नहीं आती जिसका पति उसे आयशा बनाना चाहता था। रसिका जी को कानपुर की जूही कॉलोनी नजर नहीं आती जहां लव जिहाद का अड्डा चल रहा है, जिसकी जांच खुद SIT कर रही है और रोज नए नए खुलासे कर रही है। इसलिए इस प्रोपेगेंडा को हवा देने वालों को अब समझ जाना चाहिए कि समाज और दुनिया जागरूक हो चुकी है और उनकी साजिशें कामयाब नहीं होने वाली। ये बात तनिष्क के भी समझ में आ गई और देर सवेर बॉलीवुड के इन सेकुलरों को भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि आर्थिक चोट अच्छों को बदलने पर मजबूर कर देती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।